दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की। तीसरे चरण में 10 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। 94 लोकसभा सीटों में 2019 में मैक्सिमम सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश नीति का ओपिनियन पोल आ चुका है। देश नीति के ओपिनियन पोल के मुताबिक 10 राज्यों में बीजेपी को भारी भरकम नुकसान होता हुआ दिखाया गया है। एक एक राज्य का मैं आपको डाटा बताता हूं, आंकड़ा बताता हूं और आपको एक एक सीट का आंकड़ा बताता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं गुजरात की, जो तीसरे चरण में गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो रहा है तीसरे चरण में। पिछली बार 2014 में 2019 में बीजेपी को 26 में 26 मिली थी, चाहे 2014 की बात करें चाहे 2019 की बात करें। लेकिन 2024 में जो आंकड़े आ रहे हैं, बीजेपी को अधिकतम 24 सीट यहां पर मिल रही है। और यहां इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो है उसको मिल रही है कम से कम 2 सीट। हालांकि जो लड़ाई है, लड़ाई में बात करूं, पाटन लोकसभा है, बानसकाठा लोकसभा है, जामनगर, साबरकाठा और बरूच की लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत मजबूत लड़ रहा है गुजरात में, मोदी के गृह राज्य में। अब आप भले सोच रहे होंगे 2019-2014 में जीत गई थी, लेकिन उसके पहले यहां पर कांग्रेस भी चुनाव जीतती रही है, कभी 10 सीट जीतती रही है, कभी 12 सीट जीतती रही है, कभी 14 सीट जीतती रही है। तो ऐसा नहीं है कि 2024 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी सूखड़ा साफ कर देगी विपक्ष का। विपक्ष को यहां पर कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है, विपक्ष को थोड़ी सी संजीवनी, थोड़ा सा फायदा, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा घाटा हो रहा है। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पिछली बार 29 सीट में 28 सीट जीत ली थी, लेकिन अब की बार 2024 में बीजेपी को जो तीसरे चरण में चुनाव हो रहा है, यहां पर पूरा 26 सीटों में हो रहा है, यहां पर 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है तीसरे चरण में। बीजेपी को 5 से 6 सीट और यहां पर विपक्ष को 2 से 3 सीट यहां पर मिल सकती है। यहां पर चुनाव कहां कहां हो रहा है, गुना, राजगढ़, विदिशा, भिंड, ग्वालियर। जैसे विदिशा की सीट है, शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान यहां पर जीत रहे हैं, लेकिन अन्य सीटों पर यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को कड़ी टक्कर कांग्रेस दे रही है। भले बीजेपी का प्रचंड बहुमत से सरकार है, भले बीजेपी यहां पर लगातार चुनाव जीतती रही है, बड़े मार्जिन से चुनाव जीतती रही है, लेकिन 2024 में स्थानीय मुद्दे बहुत हावी हो चुके हैं। नेशनल कोई मुद्दा नहीं रह गया है, जैसे 2014 में भ्रष्टाचार के नाम पर मुद्दा था, 2019 में पुलवामा था, तमाम चीजें थी 2019 में भी। तीसरा नंबर आप देखेंगे यहां पर, तीसरा नंबर आता है बिहार। बिहार बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो एनडीए यहां पर 40 में 39 सीट जीत गया था, लेकिन अब की बार जो रिपोर्ट आ रही है, जो गोदी मीडिया की रिपोर्ट आ रही है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, सरकार का मीडिया जो सरकार की बात करता है, वो खुद कह रहा है कि 8 से 10 सीटों का नुकसान होगा, वो खुद कह रहा है। लेकिन नुकसान बीजेपी को वहां बहुत भारी होने जा रहा है, क्योंकि तीसरे चरण में बिहार में झंझारपुर में चुनाव हो रहा है, यहां पर बीआईपी लड़ रही है, सुपौल में चुनाव हो रहा है, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, मधेपुरा को छोड़ करके बाकी चारों जगहों पर कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर का मतलब है बीजेपी को जो अधिकतम सीटें मिलेंगी वो 2 सीटें मिलेंगी, बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें मिलेंगी, 3 सीट यहां पर आरजेडी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। बिहार में बीजेपी का भारी भरकम नुकसान हो रहा है। अगला राज्य मैं बात करता हूं छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव हो रहा है, यहां पर 5 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस यहां पर जीतता हुआ नजर आ रहा है बहुत भारी अंतरों से। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और बिहार
बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन रहा है 2024 में। 400 का नारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूल चुके हैं। पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण पे लगा हुआ है कि हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण हो जाए, लेकिन अब की बार 2024 में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 3 सीटों पर बीजेपी, 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन, शिवसेना लड़ रही है वहां पर, कांग्रेस लड़ रही है, अजीत पवार की एनसीपी लड़ रही है। अजीत पवार की एनसीपी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, यानी कि जिसकी पार्टी थी उससे सिंबल छीन लिया गया, कार्यालय छीन लिया गया, पार्टी की सारी कमाई छीन ली गई। तो आप समझ सकते हैं यहां पर बीजेपी का हाल सबसे बुरा महाराष्ट्र में है। अगला नंबर मैं आता हूं और मैं आपको बता दूं, बारामती से अजीत पवार की पत्नी लड़ रही है चुनाव, शरद पवार की बिटिया सुप्रिया सुले वो भी चुनाव लड़ रही हैं, अजीत पवार भतीजे हैं उनके जो बीजेपी की तरफ गए हैं। अब आप सोचिए, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो आप ये समझ सकते हैं इस सीट पर बीजेपी फंस चुकी है, बीजेपी ही मान लीजिए। और उसके बाद साबरमती है, रताला सीट है, कोल्हापुर सीट है, इसी सीटों में जहां पर बीजेपी चुनाव हार रही है। तो आप ये समझ सकते हैं। अगला नंबर आता है छठे नंबर पे कर्नाटक। कर्नाटक बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सबब बना हुआ है। पिछली बार जब कर्नाटक में चुनाव हुआ था, कर्नाटक में 28 में 26 बीजेपी जीती थी। अब आप समझिएगा, अब की बार तीसरे चरण में तो 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 3 सीटों पर जीतेगी, 11 सीटों पर यहां इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। अगला नंबर आता है, राज्य आता है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर नुकसान चुनाव हो रहा है। पिछली बार बीजेपी यहां पर 80 सीटों में से 64 सीट जीत गई थी। अब की बार जो तीसरा चरण हो रहा है 10 लोकसभा सीटों पर, यहां पर सीट कौन कौन सी है इसको जानना बहुत जरूरी है। इन सब के बारे में थोड़ा हमसे चूक हो सकती है, क्योंकि जो देश नीति का ओपिनियन पोल बता रहा है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और इस यूपी के बारे में मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। यूपी में 10 लोकसभा सीटों में संभल है, समाजवादी पार्टी जीत रही है। मैनपुरी कोई शक ही नहीं है, संभल में, मैनपुरी में, बदायूं में कोई शक नहीं है, फिरोजाबाद में कोई शक नहीं है, फिरोजाबाद में भी चुनाव हो रहा है। उसके अलावा आप आ जाइए, एटा में चुनाव हो रहा है, और यहां पर आंवला में चुनाव हो रहा है, और संभल, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, आंवला और बरेली में चुनाव हो रहा है, फतेहपुर सीकरी और उसके अलावा फतेहपुर सीकरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फतेहपुर सीकरी है। संभल में समाजवादी पार्टी, मैनपुर में समाजवादी पार्टी, बदायूं में, फिरोजाबाद में, एटा में, आंवला में, बरेली में टक्कर है, फतेहपुर सीकरी में टक्कर है, आगरा बीजेपी जीत रही है, बाकी हाथरस बीजेपी जीत रही है, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है अब की बार 2024 में। वहीं पर मैं देखता हूं, अब बंगाल की 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 4 में 2 सीटें बीजेपी, 2 सीट इंडिया गठबंधन। गोवा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। असम की 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 2 सीटों पर यहां इंडिया गठबंधन और 2 सीटों पर एनडीए जीत रहा है, यानी कि बीजेपी जीत रही है। तो आप ये समझ सकते हैं 2024 के चुनाव का देश नीति का ओपिनियन पोल है। बाकी हम आपके लिए तमाम वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।